हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसी चैनल के ऊपर अगर आप विजिट करोगे तो कल के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था, इस वीडियो को जरूर देख लेना दोस्तों, गलती से भी मिस मत करना। लिंक ऊपर आई बटन पर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत समय के बाद लिटरली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक दमदार IPO के बारे में। यस, मतलब एक ज़माना ऐसा था, मतलब पिछले 2021 की अगर हम लोग बात करें, वो कोविड वाला पीरियड था, उसके बाद अच्छा बुल रन, तो लिटरली एक एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार पाँच IPO आते थे। मतलब पूरे हफ्ते भर की भी अगर हम लोग बात करें तो इतनी बारिशें थी, राइट? क्योंकि आपको पता ही है बुल रन में IPO लाना फ़ायदेमंद साबित होता है। हर कोई रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट करता है, हर कोई पार्टिसिपेट करता है। जो मुंह मांगी रकम मांगेंगे वो मिल जाएंगी, ठीक है? ऐसे ऐसे कंपनियाँ जिनका मतलब IPO पूरी तरीके से भरा भी नहीं था, सब्सक्राइब भी नहीं होता, उन्होंने भी बुल रन में हाथ साफ कर लिया, उनको भी फ़ायदा हो गया, ठीक है? तो उसके बाद आपको बताइए मार्केट डाउन हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज हुआ, एंड बहुत समय तक कोई खास IPO भी देखने को नहीं मिला। एंड अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत समय के बाद एकदम तगड़ा IPO हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को आप मिल रहा है। मतलब ये IPO के लिए इतनी भीड़ रहेगी खरीदने के लिए कि पूछो मत, ठीक है? तो फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही शुरुआत कर लेंगे। वैसे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें पता ही होगी, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आइडिया फोर्ज IPO के बारे में। यस दोस्तों, अब ये आइडिया फोर्ज का जो IPO है, ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड फिर आ जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। एंड अगर लिस्टिंग गेन के लिए जाएंगे तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, सब कुछ कवर करेंगे। सो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को प्रॉपरली देख लेना, अननेसेसरली आगे पीछे मत कर लेना, तो आपकी लिंक मिस हो जाएगी। तो 2007 से ही हम लोगों को इस कंपनी की मतलब शुरुआत होते हुए देखने को आप मिली है, ठीक है? एंड ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है दोस्तों, इसका बिजनेस अगर हम लोग देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसको हम लोग UAS के नाम से जानते हैं। अनमैन मतलब जिसमें आप लोगों को इंसान देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी एयरक्राफ्ट सिस्टम में ये कंपनी काम करती है। अगर मैं इसको आसान भाषा में अगर बोल दूँ तो दोस्तों, इस कंपनी के हम लोग को बहुत सारे ड्रोन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड ड्रोन से रिलेटेड इनका हम लोग को काम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का ये जो बिजनेस ये है वो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियाँ इस्तेमाल करते हुए देखने को मिल रही है। रियल इस्टेट वाली जो कंपनियाँ हैं दोस्तों, उनके ऑपरेशन को भी ये कंपनियाँ बूस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड फिलहाल जो ड्रोन हम लोग को कहाँ पे इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल रहा है, यस, डिफेंस फोर्सेस। तो डिफेंस में भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो कंपनी है वो डिफेंस फोर्सेस को बहुत अच्छी तरीके से मदद यहाँ पे कर रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंडक्टिंग इंटेलिजेंस की बात करें, सर्विलियंस की बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ रिकन्सिनियंस की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग ISR के नाम से जानते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो बॉर्डर्स के इधर देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें इस कंपनी का योगदान देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल तो आत्मनिर्भर भारत का नारा लग चुका है, ड्रोन सेक्टर को बढ़ावा सरकार की ओर से दिया जा रहा है, डिफेंस में भी। एंड ड्रोन आपको ये भी पता है और कहाँ पे इस्तेमाल होने की कोशिश है, यस, लॉजिस्टिक में भी आगे यहाँ पे होने वाला है। तो डेफिनेटली ये जो कंपनी है दोस्तों, वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को पकड़ कर चल रही है। एंड ड्रोन कोई नई बात नहीं है, ड्रोन टेक्नोलॉजी तो इसके पहले भी चलती थी, बट सरकार का रुख बदल गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? अभी अगर सरकार डिफेंस से रिलेटेड आत्मनिर्भर नहीं बनती तो ड्रोन वाली कंपनीज को भी कितना इतना ऑर्डर मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। बट आप देख सकते हैं अभी कितने सारे ड्रोन कंपनी अच्छा काम कर रही है। द्रोणाचार्य भी अभी हम लोग को हाल ही में लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा था। जेन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी भी आप देख सकते हैं डबल होती हुई देखने को मिली थी। तो डेफिनेटली सेक्टर तो एकदम ज़बरदस्त धमाकेदार यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के कुछ सॉफ्टवेयर है, दो सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं, ब्लू फायर लाइव करके देखने को मिल जाता है, ब्लू फायर टच करके है, ठीक है, ये आप चाहो तो थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ सकते हो। हम लोग ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते, जैसे कि कंपनी का मार्केट शेयर है 2022 के हिसाब से 50%, बाप रे बाप, बहुत ही कमाल की ये बात है दोस्तों। हाफ मार्केट शेयर आप लोगों के पास है यहाँ पे, मतलब और क्या है, मतलब तारीफ करने के लिए आपके पास मतलब चीज़ चाहिए। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी की बात करें, ठीक है, अगर कंपनी का जो पैटर्न है मतलब अगर ड्यूअल यूज़ कैटेगरी को पकड़ते हैं, ड्यूअल यूज़ मतलब ऐसी कंपनियाँ जो ड्रोन बनाती है, जिसका ड्रोन सिविल में भी इस्तेमाल होता है एंड डिफेंस में भी इस्तेमाल होता है, ऐसे अगर हम लोग टॉप 10 कंपनीज के नाम निकालें ग्लोबली, तो ये कंपनी दुनिया में 7वें नंबर पर आती है। तो
इतना तो पता चल गया दोस्तों कि ये कोई ऐरी गैरी नत्तू गैरी कंपनी तो नहीं है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। 50% मार्केट शेयर ग्लोबली, ड्यूअल परफॉर्मेंस में 7th नंबर, एंड जो बिजनेस है उसकी डिमांड है, ये सबसे मेन की एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं कि बिजनेस नीचे जा रहा है, इनफैक्ट ये बिजनेस उड़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो बस हो गया, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी चाहिए थी मैंने यहाँ पे बोल दी है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी तो है धाकड़, अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। तो शुरुआत कब से होने वाली है आईपीओ की? 26 जून, ठीक है, 26 जून से शुरू होगा, 3 दिन चलता है, तो 26 के बाद 27, 28, 29, ओके ठीक है, बीच में एक छुट्टी रहेगी, तो फाइन। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 दिन का टाइमिंग रहता है, फिर लिस्टिंग तो बाद में देखा जाएगा। फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस देखिए, प्राइस बैंड क्या है, 638 से लेके 672, ठीक है, लॉट साइज़ रहेगा 22 का। फिर उसके बाद अगर देखा गया इशू साइज़ कितना है, 567.5 करोड़ का आईपीओ हम लोग बोल सकते हैं। एंड फ्रेश इशू की बात करें तो 240 है, तो चलिए कंपनी को कुछ ना कुछ तो पैसा जाएगा, कितना, 250 करोड़, राइट। एंड बाकी ओएफएस की बात करें तो प्रमोटर के पास बचा हुआ हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब जो माल यहाँ पे बेच रहे करके। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कंपनी को अगर आगे बिजनेस के हिसाब से बढ़ना है तो कुछ फ्रेश इशू तो होना चाहिए, तो 250 करोड़ देखने को मिल रहा है। कुछ डिस्काउंट है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, बुक बिल्डिंग तो ऑलरेडी पता है चल गया, ऊपर 2 प्राइस बैंड थे, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं कि क्यूआईबी के सेक्शन की बात करें, 75, ठीक है, तो एनआईपी देखा गया तो 15, रिटेल क्या है, तो रिटेल देखा गया तो हो सिर्फ 10% के आसपास, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे तो भीड़ तो ज़बरदस्त यहाँ पे आने वाली, सवाल ही नहीं उठता, हर कोई यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर में जितने भी मतलब उनके पास डीमैट अकाउंट है एक एक लॉट तो अप्लाई करने जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। देन अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं, कुछ टाइम टेबल को देख लेते हैं। जैसे कि मंडे को ओपन होगा 26 तारीख को, क्लोज कब होगा 29 तारीख को। सबसे पहले एक पॉइंट नोट कर लेना, कौन सा, वैसे तो फॉर्मेलिटी है बट फिर भी, कि पहले दिन यूजुअली जाना नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, मतलब ऐसी कुछ गड़बड़ वाली नहीं, मतलब मान के चलिए कि मार्केट में अगर कुछ हो गया, कुछ ही एक्सट्रीम हो गया और इसके चलते बाजार अगर एकदम कुछ क्रैश भी हो गया, एक्सट्रीम इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया एक्सट्रीम करके, तो डेफिनेटली सडनली इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर जाएगा करके। तो सिर्फ जो लोग लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो उनको तो इतना कहना चाहूँगा कि फर्स्ट डे यूजुअली कोई अप्लाई करता है नहीं, ठीक है, आप चाहो तो सेकेंड डे को अप्लाई कर सकते हो, या फिर थर्ड डे एकदम लास्ट तक मत रुकना, कुछ टेक्निकल इशू हो गया तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी जा सकती है। तो देखा गया तो सेकेंड डे इसको अच्छा यहाँ पे माना जाता है, ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बोली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, 4 जुलाई को हम लोगों को पता चलेगा किसको यहाँ पे ये लॉटरी लगी है, जिसको नहीं लगी है लॉटरी 5 तारीख को रिफंड हो जाएगा। कभी कभी टाइम लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा नहीं आता है करके, एंड अगर नहीं आता है तो ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करो, वो आपको क्रेडिट करवा देगा, डोंट वरी। देन अगर हम लोग बात करें, शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 6 जुलाई को, लिस्ट हो जाएगा, अच्छा लिख दिया है यहाँ पे, लिस्टिंग डेट क्या लिखा है, 7th जुलाई, ठीक है, कभी कभी बदल जाती है बट 7 जुलाई बताया यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि अगर कट ऑफ टाइम की बात करें तो यूपीआई जो रहता है, यूपीआई मैंडेटेड कन्फर्मेशन की बात करें तो ये भी टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पता ही है जो प्राइस ब्रांड रहता है हर कोई कट ऑफ को ही यहाँ पे प्रेफर करता है। देन अगर हम लोग बात करें रिटेल की बात करें तो 15,000 रहेगा, उसी के बेस पे रहता है। देन मैक्सिमम की बात करें तो आप चेक कर सकते हो 13 लॉट तक जा सकते हो, उसके ऊपर चले गए तो फिर आप रिटेल कैटेगरी में नहीं होगे, आप नेक्स्ट कैटेगरी HNI कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो कितना है, 33% ही प्री इशू, मतलब देखा गया तो बहुत सारा फंडिंग इन्होंने ऑलरेडी उठा के रखा हुआ है, ज़्यादा प्रमोटर के पास है नहीं, ठीक है। तो पोस्ट इशू तो और भी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स रीड करने तो वो रीड कर सकते हो, जिसको लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है तो 20, 21, 22, 23 ऐसा डेटा लिखा हुआ है। तो कंपनी के असेट्स देख सकते हो 80 करोड़ के आसपास थे, आई होप करोड़ में ही है क्या, तो आप चेक कर लेना एक बार, तो 80 के आसपास बताया जा चुका है। फिर 123, 222, 487, ठीक है, रेवेन्यू 16, फिर उसके बाद नीचे नीचे देख जाना 36, 161, 196, बहुत अच्छी बात है रेवेन्यू हो रहा है। पैट की बात करें, पहले लॉस में थी, फिर देन अगेन लॉस, देन कन्वर्टेड टू द प्रॉफिट 44, देन राइट नाउ द 32, ठीक है चल जाता है। नेटवर्थ भी ठीक नज़र यहाँ पे आ रही है। एंड ओवरऑल बोरिंग की भी बात करें तो ठीक है, लास्ट में थोड़ा बहुत बोरिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है, अमाउंट करोड़ में ही था, नीचे लिखा हुआ है। देन कंपनी के पी की बात करें, थोड़ा सा प्रीमियम है 87 के आसपास, 2800 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है, नई नई टाइप की कंपनी है तो चल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जितना भी बोलना था इतना तो पता चल चुका है दोस्तों कि कंपनी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है, ठीक है। छोटी साइज़ की कंपनी ऑब्वियसली, एंड छोटे साइज़ से हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बहुत बड़ा कुछ करो, बट जिस प्रकार से परफॉर्मेंस चल रहा है, 50% मार्केट शेयर वाली बात है ना, एंड जो ड्यूअल परफॉर्मेंस ग्लोबली 7 नंबर
ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे देखा गया तो कंपनी ने जो एंकर इन्वेस्टर रहते उससे भी लगभग 255 करोड़ यहाँ पे रेस कर दिए हैं, तो ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होने वाली थी। अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर कि बॉस ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। अगर कोई सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको पता है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी का जो दिख रहा है वो बताऊँगा। आप अगर 10 दिन बाद चेक करोगे ऑब्वियसली इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बट अभी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आइडिया फॉर्जिंग का प्रीमियम चल रहा है 470-480 के रेंज में, फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। तो हम लोगों ने दूसरी वेबसाइट भी चेक कर ली तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि 475, मतलब अगर मैं रेंज पकड़ लूँ 470-475 देन 480, मतलब इसी के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए पकड़ लेते हैं कितना, 475 ही पकड़ लेते हैं। तो 475 ये हम लोग को फिलहाल तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। एंड प्राइस की अगर बात करें तो 672 ये प्राइस है। सो अगर इसको मैं मोटा मोटी कैलकुलेट कर लूँ तो 70-80% के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड जिस प्रकार का रिस्पांस देखने, एंड अगर बाज़ार भी ठीक ठाक रहा, अच्छा खासा रहा, तो वी कैन एक्सपेक्ट 100% ऑल्सो, मतलब डबल आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। सो इतना तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि 70-80% के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए रिस्क लेना तो मतलब बनता ही है बॉस, ऐसा नहीं है कि भाई कि खराबे करके। हाँ अगर यही ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 10-15 होता तो हम लोग अवॉइड कर देते कि इतू सीरीज के लिए क्यों अपना मतलब 15,000 एक लॉट मतलब रिस्क में डाल देने का। सो 70-80% है, मतलब पूरी दुनिया यहाँ पे आने वाली है दोस्तों भीड़ के साथ। तो पहले से ही मन बना के रख लेना कि मैक्सिमम लोगों को ये आईपीओ लगने वाला है ही नहीं, क्योंकि बहुत समय के बाद एक तगड़ा आईपीओ देखने को मिला, ओपन आईपीओ है कि बॉस कि कितना भी अगर मार्केट में देखा भी गया ना कि खराबी हो जाए तो भी देखा गया तो प्रीमियम कितना गिरेगा, गिर गिर के 70-80% है। तो अब ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से मतलब लिस्टिंग गेन के लिए तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे जाने ही वाले हैं, सब तो सब कुछ बढ़िया ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो सर क्या लॉन्ग टर्म के लिए जाए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर देखा गया तो कंपनी तो इतनी कोई ख़राब नज़र नहीं आती है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, बट एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए तो हर कोई ट्राई करने ही वाला है, ठीक है, इतना तो बनता है। उसके बाद हम लोग आगे की बात यहाँ पे देख सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। अगर इसमें कोई अगर चेंज हुआ मतलब जैसे कि मैंने बोला कि सेकंड डे को मैं अप्लाई मैं भी खुद करने यहाँ पे जाऊँगा, इन केस अगर कुछ हुआ अगर मार्केट में एकदम ही, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। वरना देखा गया तो 99.99% कोई भी बदलाव की ज़रूरत नहीं, हर कोई यहाँ पे आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए तो जाने ही वाला है, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।